बस मुझे एक चीज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, शरीर के एक दो या कह सकते हैं तीन तीन अंगों में। गाइज, अगर ऐसे ही कुछ समस्या आपके साथ है, आप प्रेगनेंसी के अंदर ये चीजें देख रही हैं कि कुछ अंगों में कालापन है, वो लगातार कालापन बढ़ते जा रहा है, हालांकि इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी अंग आपका काला पड़ रहा है तो इससे दर्द या भारीपन की समस्या नहीं है, लेकिन हम अपनी आंखों से जब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शरीर के साथ क्या हो गया। अगर ऐसी ही कुछ समस्या आपके साथ है, बिल्कुल सही वीडियो पे आई है। इस वीडियो के अंदर इस कालेपन से आपको निजात दिलाया जाएगा, साथ ही साथ में प्रेगनेंसी के अंदर हॉर्मोन्स की वजह से क्यों ये कालेपन हमें नज़र आती है, ये कब ठीक होती है, हम मदर्स ने, मैंने और मेरी कुछ स्वीट सी सब्सक्राइबर ने, हमने किन चीज़ों को अपनी प्रेगनेंसी में महसूस किया, उन सारे पॉइंट्स को बताया जाएगा। साथ में ओल्ड वाइफ्स की कुछ बातों को भी हाईलाइट किया जाएगा, जिससे आप कुछ संकेत का आसानी से अंदाजा लगा सकती हैं। तो चलिए गाइज, इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइज, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ हम बात करते हैं शरीर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है पेट के ऊपर एक नाभि लाइनें बनना। गाइस यहाँ आप ये तस्वीर देख सकती हैं, इसे लगाया मैंने इसलिए ताकि आप कंपेरिजन कर सकें, क्या ऐसी ही नाभि लाइन आपकी भी काली हो रही है, और अगर हो रही है तो इसका एक ही फैक्ट है और वो है हॉर्मोन्स की वजह से जो चेंजेज आती है प्रेगनेंसी में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के लेवल चेंज होते हैं। साथ ही साथ में कहने के मतलब ये होता है कि मेलिनिन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है। मेलिनिन एक कह सकते हैं इसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि गोरे स्किन को भी ये काला कर देती है। ऐसा होना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में कुछ महिलाओं ने देखा नाभि की सीधी लाइनें, कुछ महिलाओं ने देखा नाभि की काली लाइनें, तो ये आपके पेट के ऊपर जैसी बनावट होती है ना, वैसी ही लाइनें आपको नज़र आती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यहाँ साथ ही साथ में एक और बात करेंगे, गर्दन का हिस्सा काला पड़ना, ये क्यों होता है, ये भी मेलिनिन के कारण ही चीज़ें हम देखते हैं जो हमें आँखों से दिखने में समझ में आती है। अब ये ठीक कैसी होगी, इससे हमें निजात कैसे मिलेगा, अगर आप प्रेगनेंसी में इसके ऊपर कोई क्रीम या कोई दवाइयाँ लगाना चाहती हैं, सब कुछ बेकार है, क्योंकि ये ठीक होगी ही नहीं। ये तभी ठीक होती है जब एक बार डिलीवरी हो जाती है, उसके 3 से 4 महीना के अंदर पेट की जो नाभि लाइनें काली नज़र आती हैं, आफ्टर पोस्टपार्टम ही ये चीज़ें ठीक होती है, और सबके साथ अब तक यही हुई है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये तो कंफर्म ठीक हो ही जाएगा। गर्दन का हिस्सा भी काला पड़ जाना, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे से नहाती नहीं है तभी गर्दन काला है, हालांकि वो कहने वाली बात है, एक प्रेग्नेंट लेडी के शरीर में इतने सारे डेली बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, वही समझती है कि क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कल की वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मुझे कमेंट करके बताइए आपके शरीर के कौन से अंग में कालेपन अभी आपको नज़र आ रही है, कौन से मंथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।